नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आप मेरा चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों, एक रिटायरिस ने बताया है, क्या गवर्नमेंट आईबीए और यूएफबीयू दोनों मिलके और कितना दर्द देगा बैंक पेंशनर को और बैंक रिटायरिस को लास्ट 27 साल तक, और इसमें जो दर्द दे रहे हैं गवर्नमेंट और आईबीए लास्ट 27 साल तक, कोई भी उनके अंदर जो ह्यूमिनिटी बोल के एक चीज होता है, वो चीज इस तीनों पार्टी के अंदर नहीं है। यूएफबीयू जो अपने फायदे के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आईबीए जो भी अपना फायदे है, और गवर्नमेंट तो पॉलिटिकली फायदा गेन करने के कोशिश करते हैं। तो तीनों पार्टी का तीनों एजेंडा है, और इस एजेंडा और उसके साथ साथ जो ईगो इशू है, सबसे बड़ा इशू है दोस्तों ईगो। यूएफबीयू का ईगो है, क्योंकि यूएफबीयू एक अलग सा पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, आईबीए का एक अलग सा इशू है, गवर्नमेंट का एक अलग सा इशू है, इसलिए 27 साल तक हमारे पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ओल्ड रिटायरीज को पेन मिल रहा है। दोस्तों, मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, जब ओल्ड रिटायरीज कोई भी बैंक में अपने पेंशन जमा, पेंशन का जितने भी अमाउंट है उसको जमा करने के लिए जाते हैं, नहीं तो पेंशन अमाउंट को लेने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में जाते हैं, नहीं तो कोई भी काम के लिए, एफडी, पीपीएफ, कोई भी काम के लिए बैंक में जाते हैं, तो बैंक मैनेजर से लेके बैंक एम्प्लॉइज तक हमारे ओल्ड रिटायर्डिस को उल्टा सीधा बात बता देते हैं, अब नहीं होगा, आज नहीं ट्रांजैक्शन होगा, कल नहीं ट्रांजैक्शन होगा, ऐसे बोल के दोस्तों उन लोगों को फेड अप कर देते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट आईबीए यूएफबीयू नहीं है, जो वर्किंग एम्प्लॉय से कुछ कुछ ब्रांच मैनेजर है जो ओल्ड रिटायरीज को उल्टा सीधा बात बता देते हैं। हाल ही में यह केस हुआ, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर से पूछने के लिए गए थे, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फैमिली पेंशनर, उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजर था, उन्होंने उस फैमिली पेंशनर को का बाद भी नहीं, बात का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सिर्फ फैमिली पेंशन ने ये पूछा था, सर मेरा फैमिली पेंशन एरियर कब आएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ जो फैमिली पेंशनर है वो जिस जगह में इंफॉर्मेशन के लिए गया है वो ठीक जगह नहीं था, जाने के लिए आपको रीजनल ब्रांच नहीं तो एक हेड ऑफिस में जाना पड़ता है, नहीं तो एचआर डिपार्टमेंट के पास जाने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने रॉन्ग चीज अपना है। लेकिन अगर रॉन्ग चीज अपना है तो क्यों एक सीनियर मैनेजर एक फैमिली पेंशनर को इतने उल्टा सीधा बात बता देंगे, नहीं आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, नहीं तो आप एचआर डिपार्टमेंट जाओ, इस टाइप का बात बताना चाहिए। तो जो वर्किंग एम्प्लॉय है और कुछ कुछ ब्रांच मैनेजर है, फैमिली पेंशनर से रूड बिहेवियर करते हैं, और उसका जो बातों का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं देते। तो सिर्फ गवर्नमेंट और आईबीए यूएफबीयू तो है, उसके साथ साथ ओल्ड रिटायर्डिस को पेन दे रहे हैं हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज, हमारे कुछ ब्रांच मैनेजर जो फैमिली पेंशनर और बैंक रिटायरीज का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी, मतलब कोई भी फैमिली पेंशनर और रिटायरीज, ओल्ड रिटायरीज को इस टाइप का कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिए, मैं उस कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।